नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने YouTube चैनल PST क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, राज्य एवं भूमि सुधार विभाग बिहार LRC रद्द होने पर पप्पू यादव ने सरकार को घेरा। LRC अमीन पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, जानिए पूरी जानकारी जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं और पप्पू यादव के एक वीडियो क्लिप भी दिखाने वाले हैं जो बिहार LRC वैकेंसी को रद्द किया है तो पप्पू यादव ने क्या एक्शन लिया है सो, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वे सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार LRC का फॉर्म भरे थे जो कैंसिल हो गया है फिर से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रही है, चलिए सबसे पहले हम आपको पप्पू यादव के एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको पहले पप्पू यादव का वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो LRC पर क्या बोले हैं सो, आप वीडियो में बने रहिए। अभी LRC अमीन का लड़ाई कौन लड़ रहा था? पप्पू यादव। फिर आया नियमावली कुछ, आपने विज्ञापन दिया कुछ, और जब सब कुछ पूरी हो गए तो आपने क्या कहा? आपने कह दिया कि जो जांच है जो वही गड़बड़ है, जो उसका मेरिट लिस्ट का जो जांच है उससे गड़बड़ हो गया। सब कुछ के करने के बाद भारत सरकार, और आप कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट वाला, तो जब आपको एग्जाम लेना है तो नियोजित से लेकर NGO को जो इतना आप दे रहे हैं सब कुछ बहाल करने के लिए, उसमें आप मेरिट लिस्ट, उसमें आप क्या कर रहे हैं? एग्जाम ले रहे हैं आप? डॉक्टर से लेके सब एग्जाम ले रहे हैं? पप्पू जी, सवाल ये है कि जो आवाज आप उठाते रहे हैं कि बड़े माफिया सरकार में कमीशन में बैठे हुए लोग इसमें शामिल है, तो परीक्षा रद्द कर दी गई, इस तरह से समझिए कि हाथ अपना हटा लेने, झाड़ लेने का प्रयास है ये? सर आप हमको बताइए ना, आप तो और ना आग में घी डालने का काम कर रहे हैं जी। आप एक सीटिंग को, दो सीटिंग को आप बर्बाद करिएगा तो आप कि मेरा सवाल यहाँ यही है कि जांच का बिंदु आप CBI से और हाईकोर्ट से क्यों डरते हैं? आप किसको बचाना चाहते हैं? और आप कह रहे हैं कि छात्र तो आंदोलन कौन रोकता है? हमरी मियाँ, हमारी बिल्ली हमी से भी हों, चित भी पट मेरी, अभरों के बाप, कनियों के बाप, दोनों के बाप, मालो चाहिए, ईमानदारी हो, नहीं चलेगा शिक्षा मंत्री जी। आयो सुन लिए दोस्तों ने पप्पू यादव ने क्या बोले, बिहार LRC जो रद्द हो गया है सो पुराने नियमावली पर ही बहाली होगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर ही बहाली करना है हर हाल को सरकार को, नहीं तो पप्पू यादव जो है छात्र को लेकर आंदोलन करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि आपको सपोर्ट करना है, जो भी बिहार LRC का फॉर्म भरे थे या जो फिर से फॉर्म भरना चाहते हुए सभी स्टूडेंट के आग्रह है, क्योंकि आपको भी पता है एग्ज़ाम होगा तो फिर से पेपर लीक होगा, फिर से रद्द होगा, सेटिंग वाले के हो जाएगा, आपको नहीं होगा। इसीलिए हमसे जो भी हो रहा है हम आपको अपडेट करते रहते हैं और आप लोग को सपोर्ट चाहिए, आप लोग जितना सपोर्ट कर पाएंगे उतना हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव से देख लीजिए, पप्पू यादव इसमें दखल अंदाजी किए हुए हैं और छात्र को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो और आप लोग को भी पप्पू यादव को सपोर्ट करना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे दिए टेलीग्राम के लिंक, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और हम लोग पप्पू यादव को सपोर्ट करेंगे। हम भी एक कैंडिडेट है, हम भी एक स्टूडेंट ही है LRC का, इसलिए जितना सपोर्ट करेंगे, पुराने नियमावली पर बहाली होगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर बहाली होगी तो सभी को ज्वाइनिंग हो जाएगा, नहीं अगर एग्ज़ाम होता है तो सबको बाबू दिक्कत है। इसीलिए पप्पू यादव को सपोर्ट करना है, जितना सपोर्ट करेंगे, पप्पू यादव आपको पता है जिस भी, अभी देख लीजिए जो अभी आपका बिहार सचिवालय का एक शिफ्ट का रद्द हो गया उस पर भी पप्पू यादव बोले हैं सभी शिफ्ट को रद्द करना है, जो भी काम करना है पारदर्शिता के साथ काम करना है। इसीलिए आप लोग को पप्पू यादव को सपोर्ट करना है और हम भी सपोर्ट करते हैं और हम हमेशा आपको अपडेट करते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही तक, और आप लोग वीडियो को कमेंट में जाके आप लिखिएगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही तक, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जितना भी सोशल मीडिया पर दबा के शेयर कीजिए, वो सभी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो भी हर LRC का फॉर्म भरे थे, जो फॉर्म को रद्द कर दिया गया है पुराने नियमावली पर, फिर से हमारे जो भी अभी सरकार में है माननीय मुख्यमंत्री साहब से और उप मुख्यमंत्री साहब से आग्रह है और शिक्षा मंत्री से, जो भी हमारे LRC के बच्चे हैं उसका फिर से पुराने नियमावली के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर सभी को बहाल किया जाए।
उनसे आग्रह है, इसलिए आप लोग जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप बताइए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए आगे आ गए हैं पप्पू यादव, अब फिर से पुरानी नियमावली पर ही सभी को बहाल किया जाएगा, इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना। और पल पल के लिए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर आप सेट कर लीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा फिर से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही तक, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक से। जय हिंद, जय भारत।